गाड़ी बिल्कुल डूबने को हो रही थी, बिल्कुल बच बच के आए। ये देखिए भाई, गाड़ियाँ पानी के अंदर किस तरह गड्ढे होते हैं पानी में। इंद्रो तक ने फ्लाई का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं भाई साहब, किसी एक परेशानी हो, कितने गड्ढे हो रहे हैं रोड पे? अरे पूछो ना बस। पिछले कितने दिन से पानी है? आप तो दूध का काम करते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते हैं। 15 दिन हो गए। 15 ब्रांड मट्टी हो रही है पूरी, गड्ढे ज्यादा है ये, थोड़े दुर्घटना, बीच का बाइक नहीं निकल सकती। ये देख लो भाई रोड की स्थिति, रोड पर जाम लगा हुआ है इस समय, आप देख सकते हैं। और भाई जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और गड्ढे रोड में बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस समय। नींद रोड तक ले जाएगा दृश्य जो आप देख पा रहे हैं इस समय हमारे चैनल के माध्यम से देख लो, जो है दृश्य नींद रोड तक ले जाएगा। पिछले 4-5 दिन से पानी जमा आप देख सकते हैं, नींद रोड तक ले जाएगा ये दृश्य। और वहन वाहन को भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है निकलने का। आप साफ देख सकते हैं वहाँ वाहन चालक इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी गाड़ी के निकलने का, उसके बाद से रास्ता मिल पाएगा जाने का। भाई साहब किस तरह की परेशानी का सामना किया जा रहा है? और हाईवे खराब हो चुका है, परेशानी हो रही है, गाड़ी बिल्कुल डूबने को हो रही थी, बिल्कुल बच बच के आए, बच के आए। हाँ, 4 बार तो सोचा वहाँ खड़ी करके गाड़ी। कितने दिन से ये परेशानी हो रही है? ये काफी दिन से परेशानी हो ही रही है, हो ही रही है। देखिए भाई कहाँ से आए आप? बस अभी रोहतक से आ रहे हैं। ये देख लो भाई नेशनल हाईवे का ये दृश्य है, जींद रोहतक नेशनल हाईवे का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं इस समय हमारे चैनल के माध्यम से। और वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस तरह की जानकारी करिए आप। ये भी हरियाणा के साथ